अगर एंगुलर मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 20% तो कितने परसेंट से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। इसके लिए लीनियर मोशन के अंदर भी ऐसा क्वेश्चन करते थे, e²/2m। रोटेशनल मोशन में हमें एक फॉर्मूला चाहिए जिसमें काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम का हो। तो लीनियर मोशन में p, एंगुलर में l, इसमें m, इसमें i, तो लगाएं फॉर्मूला। तो ये आपका केस नंबर वन हो गया, केस नंबर वन। केस नंबर टू में देखो, केस नंबर टू में क्या करने वाले हैं, L की वैल्यू इंक्रीज हो गई बाय 20%। ये लो 20% इंक्रीज कर दिया मैंने, तो ये टर्म आ गई 1.2L हो गया। तो L डैश की वैल्यू क्या होगी, 1.2L हो गई। तो E डैश की वैल्यू क्या आ गई, L डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2i। इक्वेशन नंबर टू आ गया। अब एक काम करना है आपने, परसेंटेज इंक्रीज इन एनर्जी में क्या करेंगे, E डैश माइनस E डिवाइडेड बाय E इनटू 100 पुट करो और इसका परसेंटेज निकालो, आंसर आएगा कितना, आंसर आ रहा है चेक करोगे, 44%। कैसे निकाल लिया आपने? अच्छा, मैंने भी निकाल लिया, मुझे याद था लीनियर मोशन से। और सच बताऊं तो मैंने एक शॉर्टकट भी लगाया एरर्स का, डेल्टा E बाय E 2 इनटू डेल्टा L बाय L, I तो चेंज ही नहीं हुआ, डेल्टा एल बाई एल कितने परसेंट है, 20 इंटू 240, तो आंसर 40% के आसपास है। तो मुझे लगा कि आपका 40% ठीक ही होगा। अच्छा ठीक है, ठीक है यहाँ तक। तो नेक्स्ट इसके अंदर क्वेश्चन में ये आएगा, अगर एक बॉडी रोटेट कर रही है विद अ कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम, यानी एल कांस्टेंट है, अगर उस बॉडी का मोमेंट इनर्शिया किसी भी बॉडी का I1 दूसरी बॉडी से बड़ा है, तो एनर्जी का क्या रिलेशन होगा? देखो, एनर्जी जो होती है e²/2i। अब वो कह रहे हैं एल तो कॉन्स्टेंट है, तो जिस भी बॉडी का आई ज्यादा होगा उसका ई कम होगा, तो I2 का बड़ा है तो E2 कम हो जाएगा, क्योंकि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या क्या आएगा इसमें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है यहां तक? ठीक। नेक्स्ट है, एक बॉइल्ड एग है और एक रॉ एग है, कच्चा अंडा पक्का अंडा, उसको टेबल पे घुमा दिया, स्पिन कर दिया, कौन ज्यादा ओमेगा से घूमेगा? अब क्या है कि जब आप घुमा के छोड़ देते हो, एंगुलर मोमेंटम उसका कॉन्स्टेंट हो जाता है क्योंकि आप एक्सटर्नल टॉर्क लगाना बंद कर देते हो। अब जो पका हुआ अंडा है, जो आपका बॉइल्ड एग है, वो उसके पार्टिकल चिपक जाते हैं, टाइट हो जाता है, तो एक्सिस के पास सारे पार्टिकल चले जाते हैं, उसका ओवरऑल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है, कम होता है, आई कम होता है, एल कांस्टेंट है। अब एल क्या होता है, आई इनटू ओमेगा, अगर आई कम हो गया बॉइल्ड एग का तो ओमेगा ज्यादा हो गया, वो तेज घूमेगा। जो रॉ एग है वो लिक्विड फॉर्म में जब गोल घूमता है तो उसके बाउंड्री की तरफ सारा लिक्विड चला जाता है, आई बढ़ जाता है, आई बढ़ता है तो ओमेगा कम हो जाता है, वो स्पिन ठीक तरह कर नहीं पाता। तो चेक करना हो पक्का रॉ एग है या बॉइल्ड एग है, घुमा के देख लो, जो ज्यादा स्पिन करेगा वो बॉइल्ड एग है, ठीक, ओमेगा ज्यादा होएगा उसका।